नमस्कार आदाब शस्त्रेकाल और खुशाम अदीद। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू विथ द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज वन शॉट। तो यस, आज हम लोग वन शॉट के बारे में बात करने वाले हैं। वन शॉट सेट्स का होने वाला है। वैसे सेट्स का वन शॉट मैंने पहले भी करा दिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों का डिमांड आया कि सर वन शॉट आपने पहले कराया, लेकिन बहुत पहले कराया था, तो हमारी रिविजन के लिए एक बार दोबारा से अगर आप बता दोगे तो काफी अच्छा होगा। मैंने बोला ठीक है यार, चलो कर लेते हैं ये भी। तो आज सेट्स का वन शॉट लेकर आया हूँ। काफी ज्यादा आसान टॉपिक है, बिल्कुल टफ टफ नहीं है, बहुत ही इजीली इसमें आप सारी चीजें कर सकते हो। तो आई एम प्रीटी डैम श्योर कि आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए रिविजन शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले एक हम्बल सा रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, और वीडियो अगर आप लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एट द सेम टाइम मैं आपके पिछले वीडियोज में, मतलब जो मैंने वन शॉट बनाया है और बाकी वीडियोज में बनाया हूँ, उन सब में मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चों के कमेंट्स काफी सारे आ रहे हैं और आप उन कमेंट्स में बहुत सारी बातें लिख रहे हो। जैसे कि अभी मुझे साफ साफ एक चैट मिला, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर लिमिट एंड कंटिन्यूटी का वन शॉट करा दो। तो मैं समझ गया इस बात को, लिमिट्स का आई गेस हो भी गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, याद तो आ रहा है कि हाँ लिमिट्स का हो गया है। उसके बाद बच्चों ने बोला 12th में कि सर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वन शॉट करा दो। तो आई हर्ड इट एंड बहुत जल्दी हम लोग इसी वीक मोस्ट प्रोबेबली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वन शॉट लेकर आएंगे। तो आप अपने कमेंट्स डालते रहिएगा, बिकॉज आपके कमेंट्स से ही पता चलता है कि अब आपको क्या चीज चाहिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैं कमेंट्स पे से पढ़ रहा था, तो एक बच्ची है प्रतिभा, जिसने बोला था कि सर आप ऐसा कुछ बताइए कि ऐसा क्या अलग है जो ऑल इंडिया रैंक वन वाले बच्चे करते हैं, IIT JEE में जिनका ऑल इंडिया रैंक वन आता है, वो ऐसा क्या अलग करते हैं जो आम बच्चे नहीं करते। तो मैंने सोचा यार काफी अच्छा टॉपिक बोली है ये बच्ची, मतलब ये तो एकदम अपने आप में थोड़ा अलग सा टॉपिक हो गया। तो मुझे काफी अच्छा लगा इस बच्ची ने इतना अच्छा कमेंट डाला, और अभी इस कमेंट पे मैं वीडियो बना चलाऊंगा पक्के से, इसी हफ्ते आ रहा है। तो आप लोग कमेंट्स डालते रहिए, आपके कमेंट से पता चलता है कि आपको किस चीज की जरूरत है, आप और कौन सी चीज आपको चाहिए या कौन सी चीज दूं तो आपके लिए यूजफुल होगा। तो आप उस कमेंट के थ्रू मुझसे जुड़े रह सकते हैं, ठीक है। तो चलो आई गेस समझ में आ गया होगा सबको। तो सारे लोग जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो नहीं लाइक किया तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन। शुरू करते हैं। अब शेड्यूल की बात करते हैं, तो आज रात 8 बज रहा, लाइक मंगलवार, अभी हम सेट्स कर रहे हैं। परसों गुरुवार जो मैं बोल रहा था ना, 10 सुपर टिप्स दैट ऑल इंडिया रैंक वन स्टूडेंट फॉलो, जो ऑल इंडिया रैंक बनता है वो कैसे बनता है, उसमें कौन सी ऐसी डिफरेंट आदतें होती हैं, तो इस पे बच्चे के डिमांड पे मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। एंड देन 26 नवंबर फ्राइडे 8 बजे ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का वन शॉट करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का भी बहुत सारा डिमांड आया था, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले रखा है, ठीक बात। बढ़े आगे, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सेट्स होता क्या है, तो यार ये सबको पता है, सिंपल सा डेफिनेशन है सेट्स का, तो सेट में ज्यादा कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं ज्यादा इस पे जोर नहीं डाल रहा हूँ। सिंपल कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। आगे अगर बढ़े तो सेट कुछ कुछ स्टैंडर्ड सेट आप सब जानते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का, इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, तो बस लिखने के नोटेशन है और कुछ नहीं। मूविंग ऑन, रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर होता है पी बाई क्यू का फॉर्मेट, तो ये भी आप आई एम प्रीटी श्योर आप जानते हैं जरूर। मूविंग ऑन, रोस्टर फॉर्म, तो सेट्स में मैंने आपको पढ़ाया था रोस्टर फॉर्म उस फॉर्म को कहते हैं जहां पे ऑब्जेक्ट्स को आप एज इट इज लिख देते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने एक सेट बनाया जहां पे आप लिख रहे हो एक्स इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ठीक है, तो आपने 1 2 3 4 5 लिख दिया, सारे के सारे एलिमेंट्स जब एज इट इज कोई भी सेट में लिख दिए जाते हैं तो उसे रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और दूसरा होता है सेट बिल्डर। मान लो इसी सेट को आप लिखने का ये भी तो तरीका हो सकता था कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड x लेस देन 6। तो देखो 6 से छोटे जितने नेचुरल नंबर है वो होने चाहिए, तो वही तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। मतलब अगर तुम एलिमेंट्स को एज इट इज लिख देते हो तो उसे रोस्टर फॉर्म कहते हैं। उन एलिमेंट्स को लिखने के पीछे का रीजन, रूल क्या है, अगर वो लिखते हो तो उसको कहते हैं सेट बिल्डर। सेट बिल्डर बेसिकली कि किस रूल से आपने इस सेट को बिल्ड किया है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सेट बिल्डर फॉर्म। समझ गए होगे, आगे बढ़े। तो अब ये सिंपल सिंपल जैसा जैसा नाम है वैसा वैसा ये सारे सेट्स होते हैं। जैसे नल सेट, ऐसा सेट जिसमें कुछ नहीं होगा, एम्प्टी सेट हो गया। सिंगलटन, नाम से समझ में आ रहा है सिर्फ एक एलिमेंट होना चाहिए। फाइनाइट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होने चाहिए। ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड ऑर्डर। तो हमेशा याद रखिएगा ऑर्डर किसको कहते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। कार्डिनल नंबर भी इसी को ही कहते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, तो कार्डिनल नंबर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनफाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स आए। जैसे अगर मैं बोलूं
एक्स एक सेट ए है ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो यार सारे नेचुरल नंबर तुमने थोड़ी देखे हैं, तुम सारे नेचुरल नंबर कैसे लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो नेचुरल नंबर का जो सेट होगा इनफाइनाइट सेट होगा, या ऑल रैशनल नंबर इनफाइनाइट होगा। इक्वल सेट, ऐसा सेट जिसका हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर हो, तो उसको इक्वल सेट कहते हैं। इक्विवेलेंट सेट, ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। मतलब जैसे मान लो एक सेट में लिखा मैंने 1 2 3, अब अगर दूसरा सेट भी मैं लिखता हूँ 1 2 3, तो जाहिर सी बात है कि सर दोनों सेट बराबर ही है, तो इसको हम इक्वल सेट कहेंगे ये वाला पार्ट। लेकिन मैं 1 2 3 लिखा हूं और तीसरे में एक में लिखू मैं 5 4 5 6, तो जाहिर सी बात है इसमें एलिमेंट इक्वल नहीं है। एक में 1 2 3 है, एक में 4 5 है, लेकिन पहले वाले में भी 3 एलिमेंट और दूसरे वाले में भी 3 एलिमेंट, तो इन दोनों को हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब ए में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बराबर हो जाए तो उसको हम इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। आई गेस क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब जल्दी जल्दी करते हैं। ये सिंपल सिंपल थ्योरी मैंने आपको बता दिया। सबसेट क्या होता है? कोई एक सेट का छोटा सा पार्ट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? एक ऐसा सबसेट जहां पे ए और बी बराबर नहीं, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर मान लो 1 और 2 है, तो 1 और 2 से हम कितने छोटे छोटे पार्ट निकाल सकते हैं? एक तो हम कुछ ना निकालें तो 5, दूसरा हम सिर्फ 1 को निकाल लें तो एक सेट बनेगा 1, फिर हम सिर्फ 2 को निकाल सकते हैं तो वो 2। एक बार ये भी पॉसिबल है कि हम 1 और 2 दोनों को निकाल लें, तो अगर हम ऐसा करते हैं बेटा तो इसे इसे हम प्रॉपर सबसेट नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने 1 और 2 पूरा ही निकाल लिया, दोनों ही निकाल लिए, वो सही नहीं है। तो प्रॉपर सबसेट का मतलब ये कि जब आप इसमें से जो चीज निकाल रहे हैं वो इसी के बराबर ना हो जाए, ए और बी बराबर नहीं होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। मूविंग ऑन, अब टाइप ऑफ सेट्स तो ये बता दिया हूं। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जहां पे सारे टाइप के एलिमेंट्स रखे जा सकते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। पावर सेट उसको कहते हैं, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, जितने सबसेट्स हैं उन सब का सेट। लेट ए बी एन ए सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट। सारे सबसेट का जो सेट होता है उसको पावर सेट कहते हैं, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक ग्रैंड मदर, सारे कहते हैं ना, मतलब सबकी अम्मा टाइप ऑफ दैट। अभी क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। चलो एक सवाल कर लेते हैं, देखो ध्यान से जल्दी सवाल पढ़ो, तब तक मैं थोड़ा एसी ऑन कर लूं। हाँ जी, हाँ जी, देखो सारे लोग, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पावर सेट ऑफ सेट ए। तो सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट है बेटा, इसका एक फॉर्मूला आता है डायरेक्ट। क्या पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, पहले उसका फॉर्मूला आता है। तो पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हियर, अगर इसके अंदर एक्स एलिमेंट्स है तो 2 रेज टू पावर एक्स, यहाँ पे 2 एलिमेंट है तो 2 रेज टू पावर 2, मतलब 4। ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का। हालांकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं पूछा है बल्कि आपसे पूरा पावर सेट पूछा है। तो पावर सेट क्या होगा, देखिए, तो पावर सेट ऑफ ए आप लिखोगे 1 और 2 है ना, तो सबसे पहले इसमें से एक सबसेट जो बनेगा वो 5 बनेगा। 5 का मतलब ये कि भैया इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, मतलब कोई एलिमेंट हमने निकाला ही नहीं सबसेट के लिए। फिर हो सकता है हमने सिर्फ 1 निकाला हो, फिर हो सकता है हमने सिर्फ 2 निकाला हो, फिर हो सकता है हमने 1 और 2 दोनों निकाल लिया हो, समझ पाए। तो ये रहा पावर सेट ऑफ ए। तो अब पावर सेट की अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक बाहर से पूरा लगा दो, इसका मतलब हो जाएगा कि भैया ये पावर सेट हो गया। मतलब सारे देखो, सबसेट 5, सबसेट 1, सबसेट 2, सबसेट 1 2 हो गया, सारे सबसेट्स को मिला के एक सेट में डाल दिया, वो हो गया पावर सेट ऑफ ए। यही होता है, देखो 1 2 1 और 2 और 5, कितना सिंपल था, समझ गए। तो बस इतना ही था, आगे बढ़ते हैं। यूनियन, यूनियन आपको पढ़ाया था, ए यूनियन बी, मतलब ए और बी दोनों साथ में, जैसे अगर ये ए है और ये बी है तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ये पूरा एलिमेंट, ये पूरा पार्ट, इसको कहते हैं ए यूनियन बी। वैसे ही इंटरसेक्शन पढ़ाया था, दोनों के बीच का सिर्फ कॉमन पार्ट, ये वाले पार्ट को लेंगे तो वो इंटरसेक्शन होगा। डिफरेंस ए माइनस बी, अगर ये ए है और ये बी है तो बेटा ए का सारा पोर्शन ले लो और बस बी वाला मत लेना, दैट इज कॉल्ड ए यूनियन बी। मतलब सब कुछ लिया, बस कहते हैं ना कि ये इतना पार्ट गंदा हो गया था तो बी को माइनस करना है, मतलब ये गंदा पार्ट माइनस करना है, तो इसलिए बी को ये वाले पार्ट को माइनस कर दिया, ये हटा दिया इसे, दैट्स इट ए माइनस बी। और ए डैश मतलब जहां पे ए ना हो, मतलब अगर मान लो ये एक बड़ा सा डब्बा है और इसमें ये ए बैठा है तो ए के अलावा सब कुछ ले लिया, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल करते हैं, देखो जल्दी से मजेदार सवाल। ये ऑप्शन यहाँ पे साइड कर ले रहा हूँ, पहले तो देख लो ये जेई का सवाल है तो मजा आएगा, जेई 2020 ज्यादा पुराना नहीं है। सवाल कहता है कि मॉड एक्स 2 से छोटा है,
अब आपको पता है मॉड एक्स अगर 2 से छोटा हो तो मॉड हटाते हैं लेस देन में, तो इधर प्लस माइनस हो जाता है, मतलब ये एक्स हो जाएगा, ये 2 और ये माइनस 2 हो जाएगा, मतलब एक्स जो है हमारा वो माइनस 2 से 2 के बीच में है यहाँ पे, ठीक बात। और दोनों पे ओपन इंटरवल बिकॉज इक्वालिटी नहीं है। अब बड़े में क्या होता है, बड़े में एक ग्रेटर होता है एक छोटा होता है, मतलब x माइनस 2 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो आप एक बार लिखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एज इट इज। और दूसरे में होता है x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू माइनस 3, तो आपको ये पढ़ाया भी था, लेस देन होता है ना तो माइनस आगे पीछे लग जाएगा माइनस प्लस, और अगर ग्रेटर देन होगा तो एक बार ग्रेटर देन द प्लस वैल्यू एंड लेस देन द माइनस वैल्यू, तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। अब आपने करना है कि इसको सॉल्व करना है, 2 को इधर भेजो, तो 2 को इधर भेजो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और इसमें 2 को अगर इधर भेजोगे तो 2 माइनस 3, मतलब x लेस देन इक्वल टू माइनस 1, तो ये हुआ पहला दूसरा। अब यहां पे अगर नंबर लाइन को देखोगे तो बेटा ये रहा माइनस 1 और ये रहा 5, ठीक है। ये कहता है 5 से यहाँ पे क्लोज इंटरवल 5 से बड़ा होना चाहिए या फिर माइनस 1 से छोटा होना चाहिए, और ये कहता है माइनस 2 से 2 के बीच में होना चाहिए, दोनों जगह क्लोज इंटरवल मतलब ओपन इंटरवल। देखो अभी दोनों को एक ही लाइन पे बनाते हैं, ध्यान से देखना, एक है बेटा माइनस 2, एक है बेटा माइनस 1, एक है बेटा 2 और एक है 5। अब पहला वाले के हिसाब से अगर बात करें तो ये कहता है माइनस 2 से 2 के बीच में, ठीक बात। और दूसरा वाला जो कहता है वो कहता है माइनस 1 से छोटा या फिर 5 से बड़ा, ठीक बात। अब ध्यान से देखो एक एक ऑप्शन, एक एक ऑप्शन को यहां पे समझना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन कहता है a माइनस बी होगा माइनस 1 से 2, माइनस 1 पे क्लोज, a माइनस बी मतलब a वाला ऊपर वाला है, ये है b वाला, a माइनस बी मतलब a में से b को हटा दो, तो a में से b का वो वाला पार्ट हटाओगे ना जो कॉमन है, तो कॉमन कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट। तो अगर इस पार्ट को हटा दिया तो क्या बचेगा, तो बचेगा माइनस 1 से 2, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ध्यान से देखो बेटा, अगर माइनस 1 वाला क्वांटिटी हटाओगे तो यहाँ पे जीरो मतलब अंडा आ जाएगा, तो अगर मैं देखूं ये a में से अगर आप माइनस बी करते हो तो माइनस 1 से 2 आएगा, बिल्कुल सही बात। लेकिन माइनस 1 से 2 में आपको नहीं लगता माइनस 1 पे ओपन इंटरवल आएगा, क्यों, क्योंकि ये चीज आपने यहाँ से निकाल ली है, हटा दी है, माइनस 1 को आपने हटा दिया मतलब यहाँ पे खाली जगह बन जाएगा, माइनस 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो जब माइनस 1 इंक्लूडेड नहीं है तो माइनस 1 पे ओपन इंटरवल आ जाएगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है माइनस 1 पे क्लोज इंटरवल, मतलब माइनस 1 होना चाहिए, तो गलत बात है, माइनस 1 नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा, ए यूनियन बी पूरा रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट 2 से 5, माइनस लिखा हुआ है ना, माइनस मतलब 2 से 5 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, कौन सा, ए यूनियन बी। तो करो ए यूनियन बी करके देखते हैं। देखो ए यूनियन बी मतलब सारा बी ले लो और ए भी ले लो और बी भी ले लो, मतलब जो भी आ सकता, तो जरा ध्यान से देखना, मैं दूसरा कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, देखो बी यहाँ माइनस इन्फिनिट से शुरू हुआ 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 यहाँ तक आया, फिर ए है तो ए भी पे ही चलेगा, बट यहाँ पे होल हो गया तो होल कर दिया। अब ये वाले एरिया में, इस एरिया में कोई नहीं है, ना ही ए ना ही बी, तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा, फिर यहाँ पे क्लोज इंटरवल से लेके फिर से चलता गया। तो ये ब्लू वाला लाइन दिखा रहा है ए यूनियन बी, चलो हम लिखते हैं ए यूनियन बी, तो माइनस इन्फाइनाइट, ठीक है, से लेके 2 तक आएगा, ठीक बात, 2 पे ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल, और यूनियन 5 से इनफाइनाइट और 5 पे क्लोज इंटरवल है, ये होगा ऑप्शन। या फिर ऑप्शन ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा रियल नंबर ले लो, बस ये वाला पोर्शन छोड़ देना, 2 से 5 वाला पोर्शन छोड़ देना, बाकी पूरा रियल नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो रियल नंबर में हम छोड़ेंगे क्या, ध्यान से देखना, मुझे सारा रियल नंबर चाहिए, बस 2 नहीं चाहिए, ठीक है, और 5, 5 का क्या है, 5 चाहिए कि नहीं चाहिए। अब ध्यान से देखना, रियल नंबर में हमारा आंसर में 5 होना चाहिए, तो जब मैं माइनस करूंगा तो 5 माइनस करूंगा या नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे 5 आंसर में चाहिए, तो मैं 5 पे ओपन इंटरवल डालूंगा और 2 पे ओपन है इसीलिए यहां पे क्लोज डालूंगा, तो 2 पे क्लोज 5 पे ओपन, ऐसा पड़ेगा कि सारा रियल नंबर है बट 2 अंडा है यहां पे, मतलब ओपन है, मतलब नहीं चाहिए हमें, तो 2 नहीं चाहिए मतलब 2 को हटाओ, तो माइनस 2 कर दिया मैंने, और 5 हमें चाहिए, यहाँ पे देखो क्लोज इंटरवल है, 5 हमें चाहिए, चाहिए मतलब 5 पे ओपन इंटरवल रखो, तो आप जब भी माइनस करोगे ना तो यहाँ पे जो चीज लिखी है उसका अपोजिट कर देना है। तो आप देखो ये यही ऑप्शन था क्या, यहाँ माइनस 2, ये 2 और 5 दोनों पे ही ओपन दिया हुआ है, लेकिन दोनों पे तो ओपन नहीं होगा ना,
तो इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत। तो आपको ये समझना पड़ेगा कहाँ ओपन कहाँ क्लोज। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। अच्छा तीसरा ऑप्शन है बी माइनस ए जो होगा वो आर सारे रियल नंबर में से माइनस दो और पांच, माइनस दो से पांच को हटाना है बी माइनस ए में। ठीक है देखते हैं, बी माइनस ए का मतलब ये कि बी में से वो पार्ट हटा दो जो ए में कॉमन आ रहा है। ठीक है तो देखो ए में कॉमन तो यही वाला पोर्शन आ रहा है, ये वाला पोर्शन हटाना है आपको। तो बी कहां से कहां है ध्यान से देखो, बी जो है हमारा वो सारा का सारा माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस टू तक रहेगा और पांच से लेके इनफाइनाइट तक रहेगा। तो अगर ध्यान से देखो, मैं ऐसा करता हूं दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूं, देखो ध्यान से मैं कौन सा कलर इस्तेमाल करूं, चलो नहीं ग्रीन ग्रीन इस्तेमाल करता हूं। देखो ध्यान से ऐसा है कि ये बी आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है यहां तक आया, बट इसके आगे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसके आगे ए है और हमें ए को माइनस करना है। तो माइनस इनफाइनाइट से लेके माइनस टू तक आया, ठीक है, अब माइनस टू तक आया और ये माइनस टू पे क्लोज इंटरवल लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि बेटा ए वाला ओपन है, ए वाला ओपन है तो हम यहाँ माइनस टू पे क्लोज इंटरवल लेंगे। ठीक है आगे गया, ये वाला पार्ट हमको नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे बी यहाँ पे ए है तो ए को तो हमको नहीं लेना है। फिर यहां तक ए आया नहीं लेंगे और यहाँ पे तो बी भी नहीं है तो बी ऐसे भी नहीं लेंगे। अब यहां से फिर से हम लेना चालू करेंगे और यहां से लेके यहां तक जाएंगे। ठीक बात, अब ध्यान से देखो, देख बेटा माइनस इनफाइनाइट से टू माइनस टू तक आया और फिर फाइव से इनफाइनाइट, तो तुमको ऐसा दिख रहा है कि ये पूरे नंबर लाइन पे सिर्फ इतना वाला पोर्शन नहीं लिया अपन माइनस टू से फाइव तक वाला। तो अगर मुझे कोई बोले कि भैया बी माइनस ए लिखो, तो मैं लिखूंगा कि सारा रियल नंबर एक्सेप्ट कहां से कहां माइनस दो से पांच तक वाला नहीं लेंगे बस। अब ये माइनस दो ध्यान से देखना, मैंने आपको अभी भी सिखाया कि अगर आप यहां पे क्लोज इंटरवल है और अगर आप माइनस कर रहे हो तो यहां पे ओपन डालोगे, और अगर आप यहां पे भी क्लोज इंटरवल है और अगर आप माइनस कर रहे हो तो यहां पे ओपन डालोगे, मतलब जो भी यहां पे है माइनस करते वक्त उसका उल्टा डालना है, समझ पा रहे हो। तो पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, बस माइनस टू से फाइव वाले को हम नहीं ले पाएंगे। तो आप यहां पे देखो पूरा का पूरा रियल नंबर बस माइनस टू से फाइव नहीं और दोनों पे ओपन इंटरवल, तो बिल्कुल सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन सी। मैं महसूस कर पा रहा हूं ये क्वेश्चन कराने के बाद कि बहुत सारे बच्चों को ये महसूस जरूर हुआ होगा कि सर ये क्या है, मतलब ये तो कुछ ज्यादा ही कठिन हो गया आईआईटी के हिसाब से। तो मैं इस बात को पूरी तरह से महसूस कर सकता हूं। तो आप लोग बस एक काम करना सिंपल सा कि इस क्वेश्चन को दो तीन बार रिवाइंड करके देखना, समझ आ जाएगा। दो तीन बार आपको थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा और थोड़ा पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा, उससे ज्यादा अच्छा समझ आएगा। थोड़ा सा कठिन था आई एग्री, ठीक है। तो ये रिटर्न सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया हुआ है इनकेस अगर कंफ्यूजन लगे तो सी इज द राइट ऑप्शन। अब डिमॉर्गन्स लॉ आई गेस सारे लोग जानते होंगे। डिमॉर्गन्स लॉ बहुत ही सिंपल था, क्या था, ए यूनियन बी पे अगर डैश लगे तो डैश इंडिविजुअली एक दूसरे पे बांट दो और ये वाला साइन चेंज कर दो, यूनियन चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन पे, वैसे इंटरसेक्शन पे डाला तो इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन पे और दोनों पे इंडिविजुअली डैश आ जाएगा। ये सिंपल सा डिमॉर्गन्स लॉ था, इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलो आओ देखो, अब यहाँ पे क्या कहता है, ई इज द यूनिवर्सल सेट। देखो एनडीए का सवाल कितना मजेदार सवाल है, मजा आ जाएगा। ई क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ई यूनिवर्सल सेट है और ए एक सेट है बी यूनियन सी का, ठीक है। अब बोला कि ये जो है ना इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए। तो देखो ध्यान से, यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करोगे तो तुमको पता होगा कि अगर कभी मान लो ये तुम्हारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से अगर आप ए हटाते हो तो बचेगा क्या, ये बाहर वाला, ए हटा दिया मतलब ये बाहर वाला बचा और ये बाहर वाला और कुछ नहीं बल्कि ए डैश है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, हाँ मतलब ई माइनस ए और कुछ नहीं है बल्कि ए का डैश है, ठीक है। अब वापस से फिर से एक बार ई माइनस किया आपने, फिर से ई माइनस ए डैश किया तो बेटा ई माइनस मतलब क्या, फिर से यूनिवर्सल माइनस कर रहे हैं। तो यूनिवर्सल में से अगर तुम बाहर वाले को हटाओगे तो क्या बचेगा, अंदर वाला ए, मतलब इट इज जस्ट लाइक ए डैश का फिर से डैश कर दिया आपने, माइनस पे फिर से एक माइनस लगा दिया तो प्लस हो जाएगा, तो ए डैश पे फिर से एक बार डैश लगा दोगे तो ए आ जाएगा। ये तो तुमने बचपन में पढ़ा है, मतलब एक बात समझ में आई कि यार दो बार डैश करेंगे तो प्लस, मतलब वही वो सेट वापस से आ जाएगा और अगर तीन बार करेंगे तो फिर से डैश लग जाएगा, और जितनी बार ई आ रहा है उतनी बार डैश हो रहा है। E माइनस एक बार किया तो एक बार डैश आया, दूसरे बार करेंगे तो फिर से एक बार डैश आएगा और ये डैश डैश कैंसिल हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, ये इतना जो खतरनाक सा लिखा हुआ है इससे डरना नहीं है, आपको बस ये समझ लेना है कि यार ये A है और एक दो तीन चार
पांच बार डैश दिए हुए, मतलब ए पे पांच बार डैश लगाओ, ए डैश, फिर दूसरा डैश, फिर तीसरा डैश, फिर चौथा डैश, फिर पांचवा डैश। और अब आपको पता चल गया कि दो बार डैश आता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, तो ये दोनों डैश पे न्यूट्रल, ये दोनों डैश पे न्यूट्रल, मतलब ए आ गया, और अब इसके बाहर में एक और डैश लगा हुआ है, तो इसका मतलब फाइनल इसका जो आंसर आने वाला है, इस पूरे का जो फाइनल आंसर आने वाला है वो है ए डैश। ठीक है, अब ए डैश आने वाला है, ए था क्या, ए कुछ और नहीं था, बी यूनियन सी था, मतलब बी यूनियन सी पे पूरा डैश आने वाला है, और अगर बी यूनियन सी पे डैश आया तो डी मॉर्गन्स लॉ, बी का डैश इंटरसेक्शन सी का डैश आ गया। देखो कितना सिंपल था, देखने में कितना डरा होना, लेकिन आंसर कितना सिंपल आया, देखो बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, सी ऑप्शन आया ना, मजा, बहुत ही आसान है। और इंडिया में तो काफी ज्यादा आसान पूछते हैं, देखो वही सेम चीज, इन लोगों ने भी वही किया, बार 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 ये डैश हुआ, फिर से एक बार ऐसे, फिर डैश, फाइनली ए डैश आया, और बी यूनियन सी का होल डैश, मतलब बी डैश माई इंटरसेक्शन सी डैश। चलो समझ आया सबको, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते चलना समझ आया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अब एसोसिएटिव लॉज और ये सारे लॉज तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो प्लीज एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि काफी आसान है, ठीक है, इसलिए सवालों पे ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, आपको पता ही है कि ऐसा सेट जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो ए और ए डैश मान लो, या ए और बी कोई ऐसे हैं जिनका इंटरसेक्शन फाइव है, मतलब ये ऐसा और ये ऐसा, दोनों में कुछ मेल मिलाव नहीं, तो उनको डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो डिसजॉइंट सेट्स के कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे ए माइनस बी करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी डैश होता है, एंड सो ऑन, ब्ला ब्ला ब्ला। चलिए सवाल से देखते हैं, ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अब ध्यान से देखो, यहां पे कहता है कि सी जो है ना वो ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। अब ध्यान से समझना इसको, मैं पहले वाले को लेता हूं, सिर्फ ये पहले वाले को, ए यूनियन बी डैश, ध्यान से, तो मैं ले रहा हूं ए यूनियन बी डैश, ठीक है बेटा, ये है ए, ये है बी, ठीक है, अब ये ए है और ये बी है, तो बी का डैश, बी का डैश मतलब क्या, बी के अलावा जितने भी पार्ट्स हैं उन सब पे, ये होता है बी का डैश, और इसका यूनियन किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ, इसका यूनियन किसके साथ होना चाहिए, ए के साथ, तो यार ए तो सिर्फ गोला के अंदर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ए है, तो अगर इसके साथ डैश करोगे तो आर यू नॉट गेटिंग दैट फीलिंग कि इसका मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन आने वाला है, सिर्फ इतना सा पोर्शन आने वाला है, एंड डोंट यू थिंक कि ये फीलिंग दे रहा है कि अरे सर ये तो और कुछ नहीं बल्कि ए माइनस बी है। हम लोग उसमें भी तो यही करते थे कि भैया ए है, इस ए में से बी को हटा दो, तो बी को जो हटाया जो पोर्शन बी वाला था वो हट जाएगा, तो ए माइनस बी और कुछ नहीं बल्कि ये ए यूनियन बी डैश और कुछ नहीं बल्कि ए माइनस बी है। सबको समझ आ रहा है, और यही चीज यहाँ पे लिखी भी हुई थी, देखो ए माइनस बी इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये यही लिखा हुआ था, इसी के लिए लिखा हुआ था वहां पे। अब उसी तरीके से अगर बी माइनस ए है तो वो ए डैश इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, मतलब यहां से वाला जो डैश है वो अगर इधर चला गया तो ए माइनस बी की जगह पे बी माइनस ए हो जाएगा। तो देखो ये भी है यहाँ पे सवाल में, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और कुछ नहीं होगा बल्कि बी माइनस ए होगा, ठीक बात। अब ध्यान से देखो, तो बेटा रियलिटी में जो सी है वो क्या बना, सी बना ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक बात, ये यूनियन बीच में दिया हुआ है। अब इसको वेन डायग्राम से थोड़ा सा एनालाइज करो, देखो ए यूनियन बी जो है, सॉरी ए माइनस बी जो है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये ए है ये बी, अब ए माइनस बी जो है वो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज दिस इज कॉल्ड ए माइनस बी, ठीक बात। और अब इसके बाद मूविंग ऑन, ये वाला जो पोर्शन है, आपको महसूस हो रहा है क्या कि ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज बी माइनस ए, बी में से ए को हटा दिया गया, तो ए माइनस बी बी माइनस ए आपको दिख रहा है। अगर कोई हमको बोले कि दोनों का यूनियन करना है, यूनियन मतलब दोनों को साथ रखना है, तो अगर दोनों को साथ रखना है तो आपको ऐसा महसूस हो रहा है क्या कि सर हम तो फिर लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी पूरा हो, पूरा का पूरा यूनियन कर दो, बस उसमें से ये वाला जो पोर्शन है ना इसको हटा दो, क्योंकि अगर ये वाला पोर्शन हटा दिए, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर दिए, तो हमको जो चाहिए वो मिल जाएगा, और रियलिटी में यही होता है। तो यहां से सीखने, ये हालांकि डायरेक्ट एक थियोरिटिकल क्वेश्चन था, याद होता तो आप ऐसे ही लगा देते, बट यहां से सीखने वाली बात यही है कि भैया ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो वो और कुछ नहीं बल्कि इसी के बराबर आता है, ए माइनस बी
यूनियन बी माइनस ए। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज नथिंग बट ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दैट्स द आंसर। हो सकता है अगले एनडीए के एग्जाम में आपको ये दे दे और ये पूछ ले, इस बार तो ये दिया था और यहां से ये पूछा था, समझ पा रहे हो? तो आसान है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा सोचना है। देखो सिंपल सा आंसर आ गया, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल, एनडीए 2018 का था, ज्यादा पुराना भी नहीं है, तो हियर वी मूव ऑन। अगला सवाल, अब देखो वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम से तो हमने बहुत सारे सवाल अभी भी सॉल्व किए, भी आगे भी करेंगे, तो चलो वेन डायग्राम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बहुत सारा। अब देखो यहाँ पे कहता है कि डायग्राम दिखाता हूं, मेरे पीछे छुप रहा होगा, रुक जाओ, इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि इफ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ गेम्स टू बी प्लेड, सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्ले टू टाइप ऑफ गेम्स बट नन प्ले ऑल थ्री गेम्स, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि तीनों गेम प्ले करता हो, तो कौन सा वेन डायग्राम इस चीज को जस्टिफाई करता है? और इतना सिंपल सवाल जेई 2017 में, 2021 में आया, सॉरी 17 मार्च, मतलब इस साल भी अभी भी ऐसे आसान सवाल आते हैं, ये मेंटल एबिलिटी का सवाल हो जाएगा। देखो अब इधर ध्यान दो, इधर तुमको डायग्राम दिख रहा है, देखो तीनों डायग्राम में क्या तुमको कहीं पे भी दिख रहा है कि कोई भी ऐसा रीजन हो जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में ना हो? मतलब देखो ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है, कहां गया, हाँ ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट, ये एक ऐसा पार्ट है जो कि पी में भी है, क्यू में भी है, आर नहीं, मतलब हाँ पी क्यू आर तीनों में है, तो मतलब ये वो बच्चे होंगे जो तीनों गेम खेलते होंगे। उसी तरीके से ये वाला पोर्शन अगेन ऐसा है जो तीनों सर्कल में है, यहां तक उसी तरीके से यहां पे भी ये पोर्शन वैसा पोर्शन है जो तीनों में है। हमसे तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि भैया कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, नन ऑफ देम प्ले ऑल थ्री गेम्स, तो कोई ऐसा बच्चा ही नहीं, मतलब वेन डायग्राम ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा वेन डायग्राम होना चाहिए जहां पे तीनों इंटरसेक्शन ना मिले, तो हमें तो ऐसा ऑप्शन नहीं दिखाई, ये तीनों में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तीनों में तो भाई इंटरसेक्शन हो रहा है, तो आंसर बनेगा नन ऑफ दीज, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां पे तीनों का इंटरसेक्शन ना हो रहा हो, तो बस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज विजिबल इन ऑल थ्री वेन डायग्राम्स, तो इसलिए नन ऑफ दीज इज द आंसर। समझ रहे हो, आया मजा? तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस बनेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो आपको बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये तो बचपन से पढ़ते आए हो, ठीक है तो ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीन का भी पढ़ाया था मैंने, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस में ए बी सी का तीनों का इंटरसेक्शन, ये मैंने आपको नॉर्मल जब क्लास पढ़ाना था तो पढ़ाया था, इस पे भी और सवाल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये पढ़ा चुका हूं, तो अगर किसी को डाउट है कहां से आया क्या हुआ तो पूरा मैंने प्रूफ भी कराया था, ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सवाल करते हैं, सवाल कहता है एक सर्वे में 73% पर्सन वर्किंग इन ऑफिस लाइक कॉफी, अच्छी बात है, मतलब कॉफी लोगों को पसंद है, ठीक है, वेयर एज 65% लोग चाय पसंद करते हैं, अच्छी बात है। एक्स डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ देम हु बोथ लाइक, हु लाइक बोथ कॉफी एंड टी, देन एक्स कैन नॉट बी, ठीक बात। अब देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लोग कितने हैं नहीं पता हमें, इसीलिए तो परसेंटेज के फॉर्म में दिया है, तो मैं अपने मन से मान लेता हूं सिंप्लिसिटी के लिए कि टोटल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू 100, क्योंकि उससे सिंपल होगा 100 पीपल, तो अगर 100 पीपल मैंने मान लिया तो जो कॉफी पीने वाले लोग हैं जिनको कॉफी पसंद है दैट विल बिकम 73 ऑटोमेटिकली 73% से, और टी पीने वाले जो लोग हैं वो ऑटोमेटिकली 65 हो जाएंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है वो 100 ही रहे, 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर सिंपल सी बात समझोगे तो यहाँ पे डायग्राम बन जाएगा, बड़ा सिंपल सा डायग्राम, वो क्या कि भैया नंबर ऑफ पीपल इन कॉफी यूनियन टी, जो कॉफी और टी दोनों पीते हैं तो मिला के टोटल 100 ही होने चाहिए, नंबर ऑफ पीपल इन कॉफी यूनियन टी 100 होने चाहिए, 100 से ज्यादा तो लोग नहीं होने चाहिए। अब ये 100 होना चाहिए या 100 से थोड़ा कम, बिकॉज परसेंटेज वाला बात था, तुमको अगर याद हो तो 100% तभी तो 73% में 73 लोग आए, तो ये जो है ये 100 होना चाहिए, 100 से कम भी हो सकता है, 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक बात। अच्छा क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है ना 73%, तो टोटल मैक्सिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, तो ये 100 रहेगा, तो नंबर ऑफ कॉफी यूनियन टी 100% या 100 से लो होना चाहिए, 100 या 100 से बराबर, 100 के बराबर या 100 से छोटा, ठीक बात। अच्छा
सी यूनियन टी का फॉर्मूला जानते हो? प्रिटी श्योर जानते हो। नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग कॉफी प्लस नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग टी माइनस नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग कॉफी इंटरसेक्शन टी, कॉफी एंड टी। ठीक बात, ठीक बात। ये लेस देन इक्वल्स टू 100 है। ठीक बात। अब नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग कॉफी, तो कॉफी कितने लोग पसंद करते हैं? 73। तो बेटा 73 लिख दो यहां पे। प्लस नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग टी, जो चाय पसंद करते हैं वो है 65, तो वो 65 लिख दो यहां पे। और माइनस, ठीक बात। अब माइनस में वो लोग जो दोनों पसंद करते हैं, तो भैया वो एक्स है, एक्स डिनोट्स द परसेंटेज, तो एक्स डाल देंगे यहाँ पे। तो भैया एक्स लोग हैं जो दोनों पसंद करते हैं। अभी जो टोटल परसेंटेज है ये हमेशा 100 से छोटा रहना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। 100% से तो ज्यादा नहीं होगा। बस सॉल्व कर दो। जैसे ही सॉल्व करो, ये काटा पीटी करो, ये 138 माइनस 100 लेस देन इक्वल्स टू एक्स इधर आ गया। तो अब अगर सॉल्व किए तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 38, मतलब एक्स 38 या 38 से बड़ा होना चाहिए। तो 38 से छोटा तो नहीं होना चाहिए, 38 के बराबर हो सकता है। ठीक बात। तो पहले तो ऑप्शन देख लो। ऑप्शन में एक ऑप्शन दिख रहा है मुझे 36, ये तो सीधा सीधा कटेगा, 36 तो हो ही नहीं सकता, मिनिमम तो 38 आना चाहिए। तो यही ऑप्शन है, कैन नॉट बी, मतलब एक्स कैन नॉट बी 36। अब ये तो बड़ा सिंपल सा बन गया 2020 का सवाल। मान लो इसी में पूछता कि बताइए एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। ये तो हमने मिनिमम निकाल दिया कि भैया कम से कम 38 तो होगा या 38 से ज्यादा होना चाहिए। तो सोच के देखो कि अगर इसका वेन डायग्राम बनाओगे, मानो ऐसा बनाए, यहाँ पे 70, ये जो कॉफी वाला है ना, यहाँ पे 38 है, ये पूरा 73 है, 73, और ये पूरा 65 है, और यहाँ पे एक्स लोग बैठे। ठीक है, तो हमने निकाला कि भैया एक्स का जो मिनिमम वैल्यू है वो 38 है, मैक्सिमम क्या हो सकता है। तो मैक्सिमम ये हो सकता है कि सर ये छोटा गोला है, ये टी वाला, ये धीरे 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 अंदर घुसता जाए, अंदर घुसता जाए, अंदर घुसता जाए, और अंदर घुसते 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 ऐसा सिचुएशन आ जाए कि ये जो पूरा चाय है ना, चाय के अंदर ही कॉफी वाले बैठ जाए, मतलब सॉरी कॉफी के अंदर ही चाय वाले बैठ जाए, टी वाले, मतलब जितने 65 लोग हैं जो चाय पी रहे हैं वो सारे के सारे कॉफी भी पीते हैं, 73। तो उससे होगा क्या कि ये जो एक्स है, एक्स क्या था, वो जो दोनों पीते हो, मतलब एक्स मैक्सिमम यहाँ पे 65 बन सकता है, कि भाई मैक्सिमम 65 लोग ऐसे हो सकते हैं जो दोनों पीते हो, चाय भी और कॉफी भी। समझ पा रहे हो? तो अगर मैक्सिमम पूछता तो आप इस तरीके से निकालते कि भाई जो छोटा वाला वैल्यू है उसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि वो छोटा वाला सर्कल अंदर आ सकता है पूरा पूरा। ठीक है, सबको समझ आया? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते चलना भैया। तो देखो 38 से 65, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते चलना समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा आंसर आ गया। अगला सवाल, ओ भाई साहब खतरनाक, बड़ा सा लंबा सवाल है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। देखो कितना ज्यादा आसान है, देखने में इतना डरावना। इनफैक्ट तुमको पता है ये एक बार आईआईटी में आया हुआ है, एग्जैक्ट यही नहीं बट एकदम ऐसा ही क्वेश्चन आया, बस फिगर्स डेटा चेंज थे वहां पे। वहां पे ये संस्कृत फ्रेंच के बजाय वो लॉस्ट लिम्स ऐसा करके क्वेश्चन आया था आईआईटी में, बड़ा फेमस आईआईटी का क्वेश्चन, हर कोई पढ़ाता है। तो देखो एनसीईआरटी का भी इतना अच्छा था क्वेश्चन, एक सॉल्व करा देता हूँ, फिर तुम आईआईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना। अब तो मैं कहता हूँ तुम सारे लोग आईआईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के उसमें से सेट्स के क्वेश्चन लगा सकते हो। नाउ यू पीपल आर सो मच टैलेंटेड, अब तो तुमको इतना पढ़ा दिया हूँ, तुम लोग इतना पढ़ लिया हो कि लगा सकते हो, इनफैक्ट लगाना भी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट, 50 बच्चे हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल 50 है, ध्यान रखना टोटल 50 है। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग फ्रेंच इंग्लिश संस्कृत वर फाउंड टू बी एज फॉलोस, फ्रेंच 17 लोग, इंग्लिश 13, संस्कृत ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा सब दिया हुआ है। ठीक है, आखिरी वाला लाइन सबसे पहले पढ़ो, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी, और नीचे कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए थे। ठीक है, तो पहले तो डायग्राम बनाते हैं, अब ध्यान से देखना इस डायग्राम। अब इसमें मैक्सिमम बुक्स में कैसे बनाया जाता है, उसमें लिखा जाता है यहाँ पे ए बी सी डी हर टाइप का डाला, मतलब मैं तुमको डायग्राम बना देता हूँ, दिखा देता हूँ कि मैक्सिमम बुक्स में ये वाला डायग्राम आपको दिखेगा, ये वाला देखो इधर दिख रहा है, यहाँ पे ए बी सी डी ऐसा करके, और फिर वो बहुत सारे इक्वेशंस बनाते हैं, ये वाला देखो, ये इक्वेशन दिख रहे हैं ऐसे ऐसे, और ये इक्वेशन बना के ऐसा गंदा गंदा इतना खतरनाक सा सोल्यूशन आता है। तो मैं आपको ये तरीका नहीं सिखा रहा हूं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं इस तरीके से नफरत करता हूं भाई, तुम किसी को भी पसंद आ सकता है, मुझे बस पसंद नहीं आता है क्योंकि काफी लंबा जाता है ये। तो मैं क्या करता हूं कि आप
आपको अगर ये तरीका पसंद है, मान लो आपने किसी और टीचर से पढ़ाया और आपको समझ आता है, तो मैं ये सोल्यूशन यहीं पर रख लूंगा, कोई इशू नहीं है। पर मैं आपको एक नया सोल्यूशन, एक दूसरा टाइप का सोल्यूशन बताता हूँ जो मुझे ज्यादा आसान लगता है, ठीक है? तो आप देख लीजिए, इधर देखो। तो सारे लोग ये बना लिए 3 डब्बे। अब आखिरी लाइन से पढ़ना शुरू करो। तो ये है फ्रेंच का, ये है इंग्लिश वाला डब्बा और ये है संस्कृत। अब आखिरी वाला लाइन के पहले वाला जो लाइन है, इंग्लिश फ्रेंच एंड संस्कृत तीनों पढ़ने वाले लोग 3 हैं। मतलब यहां पे मैं 3 लिखूंगा बिकॉज ये इंग्लिश फ्रेंच इंग्लिश और संस्कृत तीनों का इंटरसेक्शन है, तो यहां पे 3 आएगा, ठीक। अब ऊपर और बढ़े तो फ्रेंच और संस्कृत पढ़ने वाले लोग 5 हैं। तो फ्रेंच और संस्कृत का इंटरसेक्शन देखो, देखो फ्रेंच और संस्कृत यहां पे है, तो इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट बनना चाहिए, ये वाला पोर्शन 5 होना चाहिए। इस 5 में 3 यहां ऑलरेडी बैठा है, तो बचा हुआ 2 यहां बैठेगा, 3 और 2 5, क्योंकि ये टोटल 5 होने चाहिए फ्रेंच एंड संस्कृत पढ़ने वाले लोग, दिख रहा है? तो मैंने इसको यहां पे 2 लिखा, तो फ्रेंच एंड संस्कृत पढ़ने वाले टोटल 5, 3 यहां बैठे थे तो 2 यहां है। कॉमन सेंस से सिंपल आ गया, बन गया। अब वैसे ही आप देखो, इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश और संस्कृत पढ़ने वाले 4 है, तो भैया इंग्लिश और संस्कृत इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट का इंटरसेक्शन में 4 आना चाहिए, 3 यहां बैठा है, मतलब 1 यहां बैठेगा, एक ही होगा ना, तभी तो 3 और 1 4 हो जाएगा, देखो 4। अब उसी तरीके से फ्रेंच एंड इंग्लिश पढ़ने वाले 9 है, तो फ्रेंच एंड इंग्लिश पढ़ने वाले 9, 3 यहां बैठा हुआ है, मतलब ये 6, तो 6 3 9 हो गए, ठीक। अब थोड़ा और पीछे जाओ, संस्कृत पढ़ने वाले टोटल 15 बच्चे, तो संस्कृत का गोला देखो, ये पूरा गोला है संस्कृत का, इसमें टोटल 15 बच्चे होने चाहिए, जिसमें कि ऑलरेडी 2 और 3 5 और 1 6, 6 बच्चे बैठे हुए, 2 3 5, मतलब 2 3 1, 2 और 3 5 और 1 6, 6 बैठे हुए, टोटल गोले में होने कितने चाहिए, 15 बच्चे, क्योंकि तो संस्कृत में 15 है, मतलब बचे हुए 9 बच्चे यहां बैठेंगे, 9 और 6 15। तो देखो कितने आसानी से आपको सारे नंबर्स मिलते जा रहे हैं, आपको कुछ भी लंबा लंबा इक्वेशन नहीं लिखना पड़ रहा है, इसीलिए मुझे ये ज्यादा पसंद है, बस और कोई कारण नहीं। तो यहाँ 9 आ गया। अब उसी तरीके से यहाँ पे आओ, इंग्लिश, इंग्लिश में 13, तो इंग्लिश में 13, तो देखो 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 तो पहले से बैठे हुए, बचे हुए 3 यहाँ पे आ जाएंगे इंग्लिश के गोले में। और वैसे ही फ्रेंच, तो फ्रेंच में 17 है, तो 6 और 3 9 और 2 11, 11 ऑलरेडी बैठे हुए हैं, 6 यहाँ बैठ जाएंगे, आ गया। अब देखो इस एक डायग्राम की मदद से आप हर एक सवाल का जवाब दे लोगे। जैसे यहाँ पे पहला सवाल पूछा, ओनली फ्रेंच पढ़ने वाले 6 बच्चे, हमने अभी अभी देखा, देखो सिर्फ फ्रेंच पढ़ने वाले ये बच्चे होंगे जो सिर्फ फ्रेंच पढ़ रहे हैं, 6 बच्चे। ओनली इंग्लिश, सिर्फ अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे 3, संस्कृत 9, देखो यही यही डेटा दिया हुआ है, सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले 3, संस्कृत सिर्फ पढ़ने वाले 9, हमने अभी भी निकाला। उसके बाद देख लो, इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, ऐसे बच्चे जो इंग्लिश और संस्कृत पढ़े लेकिन फ्रेंच ना पढ़े, तो इंग्लिश एंड संस्कृत ये दोनों पढ़े लेकिन फ्रेंच ना पढ़े, तो देखो इंग्लिश एंड संस्कृत पढ़ने वाला 1 बच्चा और ये 3, इंग्लिश संस्कृत फ्रेंच तीनों पढ़ने वाला है, तो फ्रेंच नहीं पढ़वाना है, तो ये एक ही ऐसा बच्चा है जो इंग्लिश और संस्कृत पढ़ता है लेकिन फ्रेंच नहीं पढ़ता, तो आ गया आंसर 1। देखो कितना सिंपल है, फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश, फ्रेंच और संस्कृत पढ़े लेकिन इंग्लिश ना पढ़े, तो फ्रेंच और संस्कृत पढ़ने वाला 2 बच्चा, आ गया आंसर 2। देखो कितना सिंपल, तो सारे क्वेश्चन सब बड़े आराम से आपके बन जाएंगे। इसके आगे का 2 3 और आप बना लेना खुद से, मैं स्टार्टिंग के कुछ आंसर चेक करवा देता हूँ। तो 6 3 9 1 2, 6 3 9 1 2, देखो आंसर यही आया होगा, कहाँ गया, नहीं इधर नहीं है, देखो इधर इधर आया ना, 6 3 9 1 2 है ना, सारे आ रहे, तो एकदम सिंपल आ जाएगा। और देखो इन लोगों ने कितना लंबा सॉल्व किया, मतलब इतनी बड़ी राम कहानी जरूरत ही नहीं है। तो किताबों में अक्सर ये वाला तरीका रहता है, मुझे बहुत ज्यादा किताबों वाला तरीका ऐसे भी पसंद नहीं आया, तुमको पता है मैं हमेशा से किताबों का तरीका ज्यादा मानता नहीं हूँ, तो किताबों का तरीका ये मुझे नहीं उतना अच्छा जमता है, इसलिए मैं दुख को दूसरे तरीके से बताया। लेकिन नंदलेस अगर आपको पसंद है तो इसलिए मैंने किताब वाला तरीका यहाँ डलवाया है, अपना तरीका से सॉल्व करके बता दिया, ये वाला तरीका यहाँ बता दिया, आपको जैसे समझ आए वैसे कर लेना, ठीक बात। तो बस आज का सेशन यही समाप्त हो गया, देखो कितने सिंपल तरीके से हमने कितने कठिन कठिन अच्छे अच्छे सवाल सॉल्व कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि सबको ये सेशन पसंद आया होगा, और सबसे बड़ी बात कि इस सेशन में आपको मजा आया होगा। अगर सेशन में मजा आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक दिल जरूर बना देना और लिख देना, सर सच में मजा आया, ठीक है। बाकी इसके अलावा तुम्हारा कोई भी डाउट रहे, कुछ भी कहना चाहते हो मुझसे, कुछ और बोलना चाहते हो, नेक्स्ट टॉपिक का सजेशन देना चाहते हो, वो सब कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है।
और जो जो बच्चे वेदांतु के कोई भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो वेदांतु के कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए, आप उन लिंक पे क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको कोर्सेज दिख जाएंगे, उनका कोर्स स्टार्टिंग डेट, उसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, उसमें सर्विसेज फीचर सब कुछ दिख जाएगा। आप उस पर जाइए, खुद को एनरोल कीजिए और बेहतरीन सेशन का आनंद उठाइए। ठीक बात। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, यू कैन एक्चुअली एनरोल इन दीज कोर्सेज, और सारे कोर्सेज अभी बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे उसमें एनरोल किए हैं, तो यू कैन ऑल्सो गेट इन टू दो सेशंस। आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे मुझे लिख रहे थे नीचे कि सर JEE का क्रैश कोर्स कब आ रहा है, हमारा 12th का बैच कब आ रहा है। बहुत सारे बच्चे 11th कंप्लीट करके बैठे हैं तो वो 12th का नया बैच चाह रहे हैं या 11th वाले टर्म 2 का बैच चाह रहे हैं। तो बेटा ये सारे बैचेस अपकमिंग है, जैसे ही आते हैं हम लोग आपको, मैं आपको सबसे पहले इसका इन्फॉर्मेशन दूंगा, एंड देन यू कैन एनरोल इनटू दीज कोर्सेज। ठीक है, चलिए तो आइए सारे समझ गए होंगे। तो आज का सेशन यहीं तक था, उम्मीद करता हूँ सबको अच्छा लगा होगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, सॉरी एंड गुड नाइट, बाय बाय।